मौजूद है मोतिहारी जिला के पिपरा थाना के महुआवा गांव में और यहां पर एक सप्ताह पूर्व एक पूर्व पंचायत समिति का हत्या कर दिया जाता है और यहां पर मौजूद है उनका लड़का। अभी तक एक सप्ताह हो चुका है लेकिन न्याय नहीं मिला है। यहां पर कुछ मंत्री भी आए हैं और क्या संतावना दिए हैं हम इनसे जानते हैं। मंत्री आपके दरवाजे पर आए थे, अभी क्या बता के गए हैं? यही बताए हैं कि कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द एक से मतलब आज या कल इसका उद्भेदन कर दी जाएगी, जो इसमें सम्मिलित है उन्हें गिरफ्तार कर ली जाएगी और पुलिस प्रशासन मेरे पिताजी के मरने से एक दिन बाद बोली थी कि 72 घंटे में गिरफ्तार कर ली जाएगी, अभी तक 90 घंटा हो गई और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कैसे विश्वास करें? आप लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने आपके पिताजी को धमकी दिया था, क्योंकि आपके पिताजी को उनके माध्यम से सड़क निर्माण के लिए मिला था, सड़क निर्माण किए थे लेकिन जब पैसा मांगने गए तो आपके पिताजी को धमकी मिला। सड़क बनाने के नहीं, समुदायक भवन महादलित शेड था उसी के बनाने के क्रम में मेरे पिताजी बना चुके थे, पूरा काम हो गया था। पिताजी बोलते थे परमेंट करने के लिए, वीडियो में भी देख सकते हैं, और वही परमेंट करने में धमकी दिया गया और मेरे पिताजी को मार। अच्छा एक चीज और है, आपके पिताजी हत्या से एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किए थे कि विधायक जी से मुझे मेरे जान का खतरा है, आप क्या सही है? हाँ सही, आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो बोलिए दिखा भी देंगे, ऐसा बात नहीं। सही बात है कि मेरे पिताजी एक दिन पहले शाम को वीडियो बनाए थे कि मेरे जान के खतरा, और सुबह उन्हें मारकर 1 किलोमीटर घर से 1 किलोमीटर दूर पोखरा में फेंक दिया गया था। अच्छा सब कब मिला? 9 बजे, 9:30 के लगभग में उनका शव पोखरा में मिला था। अच्छा पिताजी आपके घर से कब निकले थे सो बताइए। वहीं 3 से 3:30 के लगभग में मेरे हम नहीं थे, मेरे छोटा भाई बताया कि किसी का कॉल आया था, उसी के क्रम में वो उठे और वहाँ से उठा लिया गया। हम लोग सोचे कि पापा जी तो टहल वहल के आ जाएंगे, तो खोजे 7 बजे, उसके बाद खोजने के बाद पता चला कि 9:30 के लगभग में कि उन्हें मारकर पोखरा में फेंक दिया गया है। अच्छा आपके पिताजी को धमकी कब मिला था? पिताजी आपके वीडियो किस तारीख को बनाया था? मरने से पूर्व शाम को, मतलब मृत्यु कब हुई थी? 10 तारीख को मृत्यु हुई और 9 तारीख को शाम को वीडियो बनाए थे, 10 तारीख को सुबह फोरवा में। अच्छा सुबह 3 बजे निकले थे? 3:30-4 बजे के इसी बीच के लगभग में टाइम देखे ने, तो 3 और 4 के बीच में। विधायक जी का क्या नाम है? श्याम बाबू प्रसाद यादव, 17 पिपरा विधानसभा के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक? हाँ बीजेपी के, तीनों बीजेपी के ही विधायक हैं। मतलब 3 विधायक मिलकर किए? नहीं, नहीं, 3 विधायक नहीं, तीनों आरोपी, 3 आरोपी बीजेपी के ही हैं। क्या क्या नाम है सर का? डॉक्टर संजय कुमार और लेखा प्रसाद। जो डॉक्टर संजय कुमार यहाँ के जिला प्रकोष्ठ जिला मंत्री है यहाँ। अच्छा प्रशासन जो बार बार आपको कह रहा है कि आपको बताया गया था कि 24 घंटा के अंदर कार्रवाई हो जाएगा लेकिन एक सप्ताह बीत गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा लगता है कि विधायक के डर से कार्रवाई नहीं हो रहा है? हमको लग रहा है क्योंकि 72 घंटा बोली थी पुलिस की उसका उद्भेदन कर देंगे और गिरफ्तार कर लेंगे, अभी तक 90 घंटा हो गई पर अभी तक कोई सूचना नहीं मिला, हो सकता है कि वही हो रहा है। कितने भाई बहन है? 2 भाई। 2 भाई है? कौन क्लास में पढ़ते हैं? आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं। आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं? और मेरा छोटा वाला बी फार्मा कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अब तो काफी समस्या होगी पढ़ाई में? बहुत समस्या, वही खिलाने पिलाने वाला सब कुछ वही। माँ क्या करती है? माँ एक वाइफ, हाउस वाइफ है, बस खाना वाना बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़का है जो महज आईटीआई की तैयारी करता है, इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी कम होगी। इनके पिताजी 9 तारीख को शाम में एक वीडियो वायरल करते हैं और 10 तारीख को सुबह लगभग 3 बजे से 3:30-4 बजे के आसपास टहलने निकलते हैं और सुबह 9 बजे इनके पिताजी के
मौत की खबर आती है। जब यहाँ वहाँ पहुँचते हैं ये लोग तो पता चलता है कि उनके पिताजी का किसी ने हत्या कर दिया, लेकिन 9 तारीख का जो वीडियो वायरल होता है उनमें पूर्व पंचायत समिति जितेंद्र प्रसाद जी वीडियो में कहते हैं कि मुझे विधायक जी से खतरा है, क्योंकि मैं जब विधायक जी से पैसा मांगने गया है तो विधायक जी हमें धमकी दिया है, और वीडियो के जस्ट कल होकर के ही इनके पिताजी का वास्तव में हत्या हो जाता है और इनको 1 सप्ताह के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। इनके दरवाजे पर तो दूर दूर से मंत्रीगण भी आते हैं, लेकिन कोई भी इनको न्याय इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं ताकि इनके पिताजी के हत्यारे को सजा मिल सके। अब देखते हैं प्रशासन इनको क्या कहती है। अभी फिलहाल प्रशासन से बात हुआ है, मंत्रीगण बात किए हैं, बोले कि आज कल में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अच्छा, मंत्री को बोले हैं थाना प्रभारी की आज से कल तक उद्घाटन यानी अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर उम्मीद तो प्रशासन पर ही है, क्योंकि हम लोग या कोई भी है, प्रशासन जब काम चोरी करते हैं तो हम लोग उनका खुलासा करते हैं, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। जिनको वर्दी सरकार देती है, जो जनता का नौकर है, वो वर्दी लेकर के भी विधायक का और चमचागिरी और गुलामी करते हैं। हम सभी को नहीं कहेंगे क्योंकि सभी पुलिस प्रशासन ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो होते हैं जो प्रशासन विधायक और मंत्री के डर से कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है इनके पिताजी के हत्यारे के साथ। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।